बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी बहुत फरमाइश पर आज मैं आपके लिए चॉकलेट सिरप की रेसिपी लेके आया हूँ। इतनी आसानी से और इतने आराम से ये आप घर पे बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये केक मैं आपको कल बनाना सिखा चुका हूँ, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, चॉकलेट केक इजाज़ अंसारी लिखे आपको मिल जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 टेबल स्पून हमने लिया है कोको पाउडर और 5 टेबल स्पून ही हमने चीनी ली है, ठीक है। ये है हमारे पास कॉर्न फ्लोर, ये 1 टेबल स्पून भर के आपने ऐड कर देना है इसमें, ये थिकनेस के लिए होता है। और इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चॉकलेट सिरप जो है हर दूसरी रेसिपी में बेकिंग की यूज़ होता है, तो ये आप घर पे ज़रूर बना के रखा करें। इसमें जाएगा मिल्क ऑलमोस्ट 1 कप, तो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते हैं और मिक्स करते जाते हैं। इसको अभी हमने पकाना भी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पहले हम मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एक जान कर देना आपने, कोई भी गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए, ये देखिए आप। और मज़ीद आपको मिल्क ऐड करना पड़े, ऐड कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन की आंच जो है नीचे फ्लेम, वो आपने बिल्कुल लो कर देनी है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने पहले इसलिए मिक्स किया क्योंकि अगर मैं तवे के इस पैन के अंदर ही दूध में ये चीज़ें डालता तो उसकी गुठलियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। बिल्कुल 0 आंच के ऊपर आपने इसकी करनी है पकाई। अब जो हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है वो चॉकलेट का फ्लेवर देगा, और जो हमने इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड किया है, जब हम इसको हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे तो वो एक गाढ़ापन लेके आएगा, एक क्रीमी सा टेक्सचर लेके आएगा। इसको पकाएंगे आप कोई 10 से 12 मिनट जस्ट, ठीक है। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे जुड़े ना। और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप स्टील या सिल्वर, जो भी आपके घर बर्तन है ना, उसमें भी आप ये बना सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया और आंच आप देख लें कितनी कम है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपका एक अपनापन होता है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा मक्खन, फ्रेश मक्खन। इसकी रेसिपी मैं कुछ दिन पहले दे चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाएँ और देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा। ये बिल्कुल घर का बना हुआ मक्खन है मेरा, तो मक्खन से क्या होगा, खुशबू और एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं अब एक मग के अंदर, और ये हमारा केक जो मैं आपको सिखा चुका हूँ इसके ऊपर डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।